Good morning everyone, welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In today's lecture, we are going to start a new chapter, that is floods. So basically, what is flood? A flood is a relatively high stage of a river that overtops the natural or artificial banks in any reach of a stream, right? हम लोग flood किसको बोलेंगे? कि हमारी जो river है उसके आगे हम लोगों ने artificially या फिर naturally जो उसकी river bank होती है उसके overtop होके पानी बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग flood बोलते हैं, right? तो let's start this chapter. We will see an introduction about the flood. Any flow which is relatively high and which overtops the natural or artificial banks in any reach of a river may be called as a flood, right? जो मैंने आगे आपको बोला. In a rainy season, when a heavy rainfall occurs in the catchment area, the flow of a river is increased and sometime it exceeds the normal carrying capacity of the river, right? जब भी हैवी रेन होता है तो क्या होता है कि कैचमेंट एरिया जो होता है उसके अंदर जो रिवर का फ्लो होता है वो हाई हो जाता है और उसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल कैरिंग कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा पानी का फ्लो हो जाता है. तो देन द सरप्लस वाटर ओवरटॉप्स द बैंक ऑफ अ रिवर एंड सबमर्जिस द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है? उसके ऊपर से पानी बाहर आ जाता है और सराउंडिंग जो एरिया होता है उसके अंदर पानी सबमर्ज हो जाता है. तो जैसे कि विलेजेस है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये जो फेनामेना है उसको बोलेंगे फ्लड. तो बेसिकली फ्लड क्या होता है कि हमारा जो कैचमेंट एरिया है, जैसे कि लेक है, रिवर है, या फिर आप लोगों ने कोई कोई एक कैचमेंट एरिया बना के रखा है, तो वहाँ पे अगर एक्सेस रेन अकर होता है तो वो उसकी कैपेसिटी के बाहर का पानी उसके अंदर आ जाता है और एक्सेस वाटर क्या करता है, फ्लो करता है उसके सराउंडिंग एरिया में, और वो जो फ्लो होता है ये फिनामेनन को बोलते हैं फ्लड. द फ्लड अकर्ड बिकॉज ऑफ अ हैवी रेन्स और अ मेल्टिंग ऑफ अ स्नो और अ बोथ व्हेन द फ्लो इन अ रिवर इज सो हाई दैट इट नेचुरल क्रॉस सेक्शन इज अनेबल टू कंटेन इट. सो अपार्ट फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ अ रिवर्स, द फ्लड्स मे बी कॉज्ड बाय अ फेलियर ऑफ सम डैम विद अ सडन रिलीज ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ वाटर एंड कॉजिंग अ कंसिडरेबल डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट? तो फ्लड सिर्फ हैवी रेन की वजह से आता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हमने कोई रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया है या फिर हमने डैम बनाया हुआ है, अगर वो डैम सडन फेल हो जाता है तो उसके अंदर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर किया गया होता है वो रिलीज होके सराउंडिंग एरिया में चला जाता है और आजू बाजू की प्रॉपर्टीज़ को, वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनकी लाइफ को डैमेज करता है. तो बेसिकली फ्लड सिर्फ हैवी रेन की वजह से नहीं होता है, उसके बहुत सारे कॉजेज़ है कि फ्लड क्यों अकर होता है, तो वो एक पूरा टॉपिक है. तो वी विल सी दैट टॉपिक इन अ नेक्स्ट स्लाइड्स. व्हेन द बैंक्स आर ओवरटॉप, वाटर स्प्रेड्स ओवर द फ्लड प्लेन एंड थस कॉजेज द डैमेज टू क्रॉप्स एंड अ प्रॉपर्टी विद इन द फ्लड प्लेन ऑफ अ रिवर. सिंस द फ्लड प्लान इज़ अ डिजायरेबल लोकेशन फॉर अ मैन एंड हिज एक्टिविटीज, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अ फ्लड टू बी कंट्रोल सो दैट द डैमेजेस डज नॉट एक्सीड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स, ठीक है? जो एक लिमिट तक डैमेजेस होता है वो ठीक है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस ना हो उसका हमें ध्यान रखना है. सो द डैमेज कॉज बाय अ फ्लड इन अ टर्म्स ऑफ अ लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू अ dispersion of economic activities are all too well known, right? So it is not to prevent a floods, but it is possible to prevent or reduce the damages due to flood by controlling the floods. Thus a flood control or a flood management is defined as a prevention or a reduction of a flood damages, right? सो फ्लड को हम लोग टोटली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, टोटली उसको बंद, मतलब फ्लड को टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मैनेज दिस फ्लड, राइट?
सो हमें क्यों मैनेज करना है, क्योंकि बेसिकली वो क्या करता है, लॉस ऑफ द लाइफ तो होता ही है, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी भी होता है और इकोनॉमिक लॉस भी होते हैं. तो ये ना हो तो उसकी वजह से हमें उसको प्रिवेंट करना है, उसकी वजह से जो डैमेजेस होते हैं उसको प्रिवेंट करना है और फ्लड को कंट्रोल करना है. तो अब हम लोग फ्लड के कॉजेज और इल इफ़ेक्ट्स की बात करें, उससे पहले हम लोग इंडियन रिवर्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे. सो इंडियन रिवर्स एंड फ्लड्स, ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया कैरी अ हैवी फ्लड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन्स व्हेन देयर कैचमेंट रिसीव्स द इंटेंस एंड हैवी रेनफॉल. सो इन अपर रीचेस वेयर द रिवर फ्लोज थ्रू अ माउंटेन्स टेरेन और अनड्यूलेटिंग एरियाज देर इज जनरली नो ओवरफ्लो ऑफ अ बैंक ड्यूरिंग द हाई फ्लोज. बट इन अ लो रीचेस स्पेशली वेयर द एरिया इज अ फ्लैट, ठीक है, जहाँ पे फ्लैट एरिया होता है, द रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज द इनअंडेशन ऑफ अ लो लेइंग लैंड्स सबमर्ज स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टीज एंड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशंस. ठीक है, जो लो रीच एरिया है, हाई रीच एरिया में जनरली अंडुलेटिंग ऑफ द एरिया नहीं हो जाता है बिकॉज माउंटेन टेरेन होता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई ओवरफ्लो नहीं होता है. बट इन अ लो रीचेस एरियाज जो रिवर बैंक्स होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है और उसकी वजह से आजू बाजू में जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, प्रॉपर्टीज है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सबको डिस्टर्ब कर देती है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अवेबिलिटी ऑफ अ सर्फेस वाटर इन अ कंट्री एंड इट्स रिलेटेड फ्लड प्रॉब्लम्स, इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रिवर स्ट्रीम ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, वो कंट्री की रिवर स्ट्रीम क्या है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अवेबिलिटी ऑफ अ सर्फेस वाटर इन दैट कंट्री. सो इन इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फ्लड प्रॉब्लम द रिवर्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर अ फोर कैटेगरीज. ठीक है, इंडिया के अंदर रिवर्स को फोर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. तो सबसे पहला है ब्रह्मपुत्र रीजन, सेकेंड है गंगा रीजन, थर्ड है नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड फोर्थ है सेंट्रल इंडिया डिक्कन रीजन. सो ये चार कैटेगरी में पूरे इंडिया की रिवर्स को डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र रीजन. तो उसके अंडर में कौन सी स्टेट्स कवर होते हैं और कौन सी रिवर्स आती है वो हम लोग देखेंगे. सो दिस रीजन रिकवर्स द स्टेट ऑफ आसाम, नॉर्थन पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम. सो इतने सारे स्टेट्स कवर होते हैं ब्रह्मपुत्र रीजन के अंडर में एंड द मेन रिवर्स इन दिस रीजन आर ब्रह्मपुत्र, बराक एंड देयर ट्राइब्यूटरीज लाइक टीस्टा, तरासा, जलदाका एंड महानदा. राइट, सो ये सारी ट्राइब्यूटरीज है जो ब्रह्मपुत्र एंड बराक में से निकलती है. सो द रीजन रिसीव्स अ वेरी हैवी रेनफॉल फ्रॉम 110 सेंटीमीटर टू 640 सेंटीमीटर पर ईयर. सो विच अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स. राइट, मानसून की सीजन में इतना रेनफॉल उसके अंदर होता है और बेसिकली जून टू सितंबर में हैवी रेनफॉल होता है जो सेवर एंड फ्रीक्वेंट फ्लड भी क्रिएट करता है. देयरफॉर डू ओकेशनली अकर्स इन दिस रीजन. राइट, सो द मेन प्रॉब्लम इन अ ब्रह्मपुत्र रीजन आर ओवर स्पिल्स, ड्रेनेज कंजेक्शंस, बैंक एरोशन, लैंडस्लाइड्स, एग्रीडेशन एंड चेंजेस इन द रिवर कोर्स. राइट, सो ब्रह्मपुत्र रीजन के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स है. ये है ब्रह्मपुत्र रीजन का पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो वो है गैंग्स बेसिन. ठीक है, और जिसका एरिया है 187,300 स्क्वायर किलोमीटर. ये है ब्रह्मपुत्र बेसिन जो आप आगे देख रहे हो, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये पूरा है ब्रह्मपुत्र रीजन. ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र रीजन जो है वो 5,52,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंडर में कवर होता है. उसका पूरा एरिया है 5,52,000 स्क्वायर किलोमीटर.
और ये है मेघना बेजिन्स, जो आपको ये पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, वो है 82,000 स्क्वायर मीटर में। ठीक है, ये है पूरा मैप वेस्ट बंगाल का। मेन रिवर्स ऑफ नॉर्थ बंगाल, तो उसके अंदर कौन सी मेन रिवर्स है, गैंग्स है, पद्मा है, ब्रह्मपुत्रा, कालजानी। तो ये पूरी आपको जो मैप दिख रहा है वो रिवर्स ऑफ नॉर्थ बंगाल है, और ये जो आप मैप देख रहे हो वो कोई स्केल में नहीं है, ठीक है, नॉट टू स्केल है। अब हम लोग बात करेंगे गंगा रीजन के बारे में। सो दिस रीजन कवर्स द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, राइट। तो गंगा रीजन के अंडर में इतने स्टेट्स कवर होते हैं, एंड द मेन रिवर्स इन द रीजन इज गंगा एंड इट्स न्यूमेरियस ट्राइब्यूटरीज लाइक यमुना, सोने, गोमती, गंडक, कोसी एंड महानंदा। सो द एनुअल रेनफॉल इन अ प्लेन्स वेरीज फ्रॉम 60 सेंटीमीटर इन अ वेस्टर्न पार्ट टू अबाउट 175 सेंटीमीटर इन अ ईस्टर्न पार्ट्स, राइट। सो द वेरिएशन ऑफ अ रेनफॉल इन द स्लोप्स ऑफ अ हिमालया इज अबाउट 125 to 190 सेंटीमीटर्स। मोर देन 80% रेनफॉल फॉल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल मानसून सीजन बिटवीन द जून टू अक्टूबर। इसके अंदर जून टू अक्टूबर में 80% रेनफॉल होता है, ठीक है, एंड द रेनफॉल एंड कॉन्सिक्वेंटली फ्लड प्रॉब्लम इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में और ईस्ट में और साउथ टू नॉर्थ में फ्लड प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके अंदर मेन प्रॉब्लम्स कौन से हैं? सो द मेन फ्लड प्रॉब्लम्स इन द रीजन आर मोस्टली कन्फाइंड टू द नॉर्थर्न ट्राइब्यूटरीज विच ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स ओवर स्पिल देयर बैंक्स एंड चेंजेस इन देयर कोर्सेज। सो इसके अंदर सेडिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ओवर स्पिल हो जाता है, और थर्ड है उसके कोर्स में चेंजेस होते रहते हैं। ये है गंगा रीजन का पूरा मैप, पूरी कितनी कितने मैप, ये पूरा मैप आप देख सकते हो गंगा रीजन के अंडर में। जैसे जैसे मैंने आपको बहुत स्टेट्स बताए थे वो सारे स्टेट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन की। सो दिस रीजन कवर्स द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। द मेन रिवर्स इन द रीजन्स आर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज लाइक सतलेज, बीस, रवि, चिनाब एंड जेठेलम। द एन्यूअल रेनफॉल इन हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अबाउट 175 सेंटीमीटर्स एंड अबाउट 75 सेंटीमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन द रेस्ट ऑफ द एरियाज इट डिक्रीज फ्रॉम 60 सेंटीमीटर इन ईस्ट टू लेस देन 15 सेंटीमीटर इन एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। कंपेयर टू गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन, द फ्लड प्रॉब्लम्स इन द रीजन्स आर जनरली माइल्ड। हावेवर लार्ज स्केल ड्रेनेज कंजेशंस इज फेल्ट इन दिस रीजन, पर्टिकुलरली इन अ स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। इन द पंजाब हावेवर चोज हिल टेरेन्स आर अ प्रॉब्लम एंड कास्काडिंग डाउन स्टीप स्लोप्स एंड दे कॉजेज अ फ्लैश फ्लड्स एंड एक्सटेंसिव सैंड कास्टिंग ओवर एग्रीकल्चरल लैंड्स। नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंडर में ये जो सारी हम लोगों ने बात की, ये आप देख सकते हो कि ब्लू कलर में वो है जो दिखाई दे रही है वो है इंडस रिवर, मरून कलर का है वो है जहलम, चिनाब येलो वाला पोर्शन है वो चिनाब है, ग्रीन वाला जो शो कर रहा है वो है रवि, पिंक वन है सतलेज, ये ब्राउन जैसा लाइट ब्राउन वो है बीस। सो ये है हिस्टोरिकल मैप ऑफ पंजाब द सिक्स रिवर्स। ठीक है, पंजाब के अंदर टोटल 6 रिवर्स आती है।
ये पूरा नॉर्थ वेस्ट रीजन का मैप है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से ये इंडस रिवर जा रही है, सतलज, गैंग्स, चूमा, अगेन यहाँ सतलज जो है वो यहाँ से होके ऐसे पूरी ये यहाँ पे जाती है, अरेबियन सी को मिलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट सेंट्रल इंडिया डिकेड रीजन्स। दिस रीजन कवर्स द स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। द मेन रिवर्स इन दिस रीजन्स आर नर्मदा, तापी, महानदी एंड गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, राइट। ये सारी रिवर्स ये स्टेट को कवर करती है। द एरिया रिसीव्स इट्स रेनफॉल मेनली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, राइट। साउथ वेस्ट मानसून के अंदर मेनली रेनफॉल होता है। द एरिया रिसीव्स इट्स रेनफॉल मेनली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून एंड कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव द नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑल्सो, राइट। जो कोस्टल एरिया है जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून में भी पानी मिलता है रिवर्स को। द एनुअल रेनफॉल ओवर द वेस्टर्न घाट्स कैन बी हाई एज अ 500 सेंटीमीटर्स। इन द रिमेनिंग एरियाज इट वेरीज फ्रॉम 75 टू 125 सेंटीमीटर्स एंड द अबाव द रिवर्स आर जनरली स्टेबल्स एंड हैविंग अ सफिशियंट कैपेसिटी टू कैरी अ फ्लड वाटर्स एक्सेप्ट द डेल्टा एरियाज, राइट। The region as a whole does not have a serious flood problem except that some rivers of Orissa state ke andar ye flood problem hota hai, baki sari river mein flood problem nahi hota hai. The river Narmada and Tapi occasionally face the high floods. Ye jo Narmada and Tapi hai usme kabhi kabhi high flood aa jata hai, एडवर्सली अफेक्टिंग द एरियाज इन द लोअर रीजेस इन गुजरात स्टेट, ठीक है। उसकी और नर्मदा एंड तापी के अंदर अगर फ्लड आता है तो गुजरात स्टेट के अंदर अफेक्ट होता है। द स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स ऑफ केरला स्टेट व्हेन हैपन टू बी इन हाई फ्लड्स ऑल्सो कॉज द ओकेशनल फ्लड प्रॉब्लम। केरला में जैसे हम लोगों ने देखा था कि लास्ट ईयर भी फ्लड का प्रॉब्लम हुआ था। In the delta areas of this region, there is a usual problem of a sediment deposition, raising of a flood level, drainage congestion and synchronization of a river floods with the sea tides. तो ये चार problems main है, और sand deposition ज़्यादा होती है, rising of a flood level से ज़्यादा rising हो जाता है, drainage congestion होती है, drainage conditions proper नहीं है and river synchronization with the sea tides, राइट। तो ये चार प्रॉब्लम्स मेन है। द मोस्ट फ्लड प्रोन एरिया इन अ ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड नॉर्थन सब बेसिन इन अ गंगा बेसिन। सो थस द प्रॉब्लम ऑफ अ फ्लड्स वेरीज फ्रॉम अ बेसिन टू बेसिन, ठीक है। सारे फ्लड के जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिन टू बेसिन वेरीज करते हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर टोटल चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है पूरे रिवर्स को। ये है टोटल रिवर्स ऑफ इंडिया का मैप है। जितने भी इंडिया के अंदर रिवर्स है वो सारी रिवर्स ये मैप के अंदर शो की गई है। साउथर्न एंड सेंट्रल इंडियन रिवर्स, तो उसके अंदर है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, प्यासवानी, कावेरी, महेंदी। सो ये सारी साउथ एंड सेंट्रल इंडियन रिवर्स है। तो बच्चों आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था फ्लड्स, तो हम लोगों ने देखा कि फ्लड्स क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा इंडियन रिवर्स एंड फ्लड्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कॉजेज ऑफ फ्लड देख लेंगे, इल इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ फ्लड कंट्रोल एंड फ्लड डैमेज एनालिसिस।
ये चार टोटल टॉपिक्स कवर करने हैं हमें आगे के कुछ लेक्चर्स के अंदर। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कॉल करके या फिर गूगल मीटिंग पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।